2.0, I guess. Someone's going from. मैं हूँ तकरीबन मुल्तान मोटरवे पे. हैवल टू हैवल जी, 2.0 वर्सेस एचजीवी. अच्छा जी, आई एम गोइंग ऑन इंटेलिजेंट क्रूज और 130 पे मेरा क्रूज सेट है. इसके अंदर दो क्रूज हैं. एक है सिंपल अडाप्टिव क्रूज. अडाप्टिव क्रूज के अंदर क्या होता है कि ये जो आपकी ये जो लाइंस आ रही हैं इसके अंदर, ये ग्रीन शो नहीं होती हैं, तो उसका इंडिकेशन है किस तरह से आपको पता चल सकता है कि सिंपल क्रूज लगा हुआ है. सिंपल क्रूज में सारे क्रूज जैसे फंक्शनैलिटीज़ हैं, अडाप्टिव भी हैं. लेकिन इस इंटेलिजेंट क्रूज के अंदर क्या फीचर है कि ये जिस तरह से ये टर्न्स आ रहे हैं, ये भी मेरे सामने आई है गाड़ी, तो ऑब्वियसली गाड़ी नहीं है, 2.0 हैवल है. तो इसने 115 पे कर ली. और तो मैं ये बता रहा था कि जो इंटेलिजेंट क्रूज है उसके अंदर ये जो टर्न्स हैं ये खुद लेते हैं, ये गाड़ी खुद इसको मॉनिटर करती है और टर्न्स वगैरह खुद लेती है. और जो गाड़ी जो है वो सेंटर में रहती है. नॉर्मली जो क्रूज़ है, जिस जो इसका सिंपल वर्जन अडाप्टिव क्रूज़ है, जो कि एक दफ़ा पुश करने से होता है और इसको आप दो दफ़ा पुश करते हैं तब ये एक्टिवेट होता है, तो उससे क्या होता है कि उससे आपका लेन असिस्ट अगर साथ ऑन हो तो गाड़ी थोड़ी सी इस तरफ जाएगी, फिर लेन उसको दोबारा, लेन असिस्ट उसको दोबारा असिस्ट करता है कि आप अपनी वापस लेन के अंदर आएँ. लेकिन जो इंटेलिजेंट क्रूज़ है उसके अंदर आपकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल लेन के बिटवीन रहती है, इन मिड रहती है, सेंटर में रहती है, और वो आपके जो सारे टर्न्स वगैरह हैं वो भी काट रही होती है. तकरीबन सेमी ऑटोनमस ड्राइविंग हो जाती है इसकी. ये जी इसका सारा आगे आ रहा है HUD हेड ऑफ डिस्प्ले आ रहा है. और अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी एवरेज शो करवा दूँ, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या एवरेज दे रही है, तो अभी ये हमें, हम लोग तकरीबन 130, 140, 120 पे रह रहे हैं, कभी पुश कर रहे हैं, कभी ज़रा तमीज़ से चल रहे हैं, तो ये तकरीबन अभी हमें 13 की एवरेज दे रही है. AC बार्स जो हैं वो हैं जी, 4 बार्स ऑन हैं. AC बार्स अगर 2 हों, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा, गर्मी, टेम्परेचर काफ़ी है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, गाड़ी शो करवा रही है, तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड है. अगर ये बार्स 2 कम हो तो ये 13.7 और 14 तक भी जाती है. ये जो इंडिकेशन आ रहा होता है वो कहते हैं कि आपने जो हाथ है स्टीयरिंग से नहीं हटाना है, तकरीबन 4-5 सेकंड बाद आ जाता है. चलें काउंट करते हैं कितने सेकंड बाद आता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तकरीबन 9-10 सेकंड्स के बाद ये आपको कहता है कि होने मेरे हवाले नहीं, होने तुहाडे हवाले. चलें जी, आई थॉट के कुछ मैं आपको आपके साथ शेयर करूं किस तरह से लॉन्ग ड्राइव पर इसके जो ऑटोनमस फीचर्स हैं वो काम करते हैं. कंपैरेटिवली इस प्राइस रेंज के अंदर, मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो में कहा है, तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सोनाटा वर्सेस हैवल, तो आप ये देख सकते हैं ये बड़े प्रैक्टिकल फीचर्स हैं. ये इंटेलिजेंट अडाप्टिव क्रूज़ आगे आपने पहले पीछे वीडियो में देखे हैं, अगर आप दोबारा इसको, तो गाड़ी खुद अपने आप को सारा अडाप्टिव कंट्रोल कर रही है. तो जो सोनाटा है वो, मैं ख़ुद सोनाटा को प्रेफरेंस दे रहा था, लेकिन सोनाटा इन सारे फीचर से लेक करती है. ये कोई चाइनीज़ फ़ीचर नहीं है, ये बड़े प्रैक्टिकल फ़ीचर्स हैं जो आपको डेली लाइफ में आपके लिए बड़ी सहूलत देते हैं. ये मेरे जो हैं ये पैर हैं आपके, जो बिल्कुल क्रूज़ है वो लगा हुआ है, और आप बड़े रिलैक्स होकर, मोटरवे की ड्राइविंग जो होती है वो बड़ी आपको थका देती है. लॉन्ग ड्राइव्स मोस्ट ऑफ द, आपने 700-800 किलोमीटर्स, हम लोग रहीमिया ख़ान से लेट्स सपोज इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 700 किलोमीटर है, तो
इस तरह के फीचर्स जो होते हैं, सोनाटा नो डाउट लुक्स गुड, अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसमें ये फीचर्स जो हैं वो इसको वर्थ टू द प्राइस नहीं बनाते हैं। तो 1 मिलियन के डिफरेंस से आपको सोनाटा वर्सेस हैवल में ये चीज़ें मिलती हैं, तो वाई नॉट दिस। बाकी इंटीरियर इसका और इसके जो फील्स हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। एसी अभी 4 बार्स पे चल रहा है, बहुत चिल है। मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। अच्छा जैन भाई, आपको एसी में इसका कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस किस तरह से है? एसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, अभी थोड़ी सी ज़रा सनलाइट की वजह से थोड़ी सी हुई भी है जी, लेकिन पिछली सीट्स हैं, रेयर सीट्स उनको बहुत अच्छी है। कुछ लोगों का ये भी इशू आ रहा था कि रेयर सीट्स में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अभी ये सामने तकरीबन जो विंड स्क्रीन से सारी धूप वगैरह यहाँ पर आती है, तो उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर टम्परेचर जो है वो है, लेकिन अगर आप यहाँ पर नॉर्मली बैठे हैं और पीछे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। अली अली, आपको पीछे परफॉर्मेंस कैसे लग रही है गाड़ी की, एसी की? पीछे तो बहुत अच्छी है, पीछे परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। ऑलराइट जी, तो एसी की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी है। इसके बार्स जो हैं वो 8 हैं, नॉर्मल गाड़ियों के अंदर 4 बार्स आते हैं, तो वो सेम कैटेगरी में आ जाती है। पंखे की नॉइज़ नहीं है अभी बिल्कुल भी। कुछ लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि फ़ैन की नॉइज़ है, आप ज़्यादा आप उसको फुल करेंगे तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो पंखा ही फुल चलता है तो वो नॉइज़ आएगी। एनीवे जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, आपसे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।